गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई शैल टीच यू अबाउट ट्रेड लॉ. ये नियम डोबे राइनर ने 1829 ईस्वी में दिया था. आवर्त सारणी में खोजे गए तत्वों को क्रम से रखने तथा उनका अध्ययन सरलतापूर्वक करने के लिए डोबे राइनर ने यह नियम दिया था. जब आवर्त सारणी बनी थी तो उसमें तत्वों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया था. उसी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में ये नियम लागू किया गया. इसके अनुसार यदि क्रमागत क्रम में या आरोही क्रम में तत्वों को रखा जाता है तो जो पहले तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है और तीसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या, इन दोनों का जो मध्यमान होता है या औसत होता है वो दूसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या के योग के बराबर होता है. फॉर एग्जाम्पल Li, Na और K, ये तीन तत्व आरोही क्रम में रखे हुए हैं या कह सकते हैं क्रमागत क्रम में रखे हुए हैं. इसकी द्रव्यमान संख्या Li प्लस के अपॉन टू इजिकल टू Na. Li की द्रव्यमान संख्या 7 प्लस K की द्रव्यमान संख्या 39 अपॉन टू इजिकल टू Na. 39 प्लस 7 इजिकल टू 46 अपॉन टू इक्वल टू Na. Na इक्वल टू 23. तीन तत्वों को क्रमागत रखने पर जो उसकी द्रव्यमान संख्या का योग होता है वो दूसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या के योग के बराबर हो सकता है. जैसे कि यहाँ पर Na की जो द्रव्यमान संख्या है वो 23 आती है. ये नियम केवल कुछ ही तत्वों पर लागू होता है या उस टाइम पर जो खोज गए तत्वों में केवल 9 ऐसे तत्व हैं जिन पर यह नियम लागू होता है. उसके अलावा अन्य तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता. यह नियम केवल 9 तत्वों पर लागू होता है. अब जो आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है तो ये नियम फेल हो गया, क्योंकि ये जो आवर्त सारणी बनाई थी वो द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखाई बनाई थी, जबकि वर्तमान में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है. इसके अलावा यह नियम आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक, इन तत्वों पर लागू नहीं होता. और डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूलैंड्स ऑक्टिव लॉ, न्यूलैंड का अष्टक नियम. यह नियम 1856 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने दिया था. जब यह नियम दिया गया था तो आवर्त सारणी में 56 एलिमेंट खोजे गए थे. उन 56 एलिमेंटों को क्रम से रखने के लिए यह नियम दिया गया था. इसी नियम के अनुसार जो आवर्तों में और वर्गों में तत्व रखे गए हैं उनमें जो पहले तत्व के बाद जो आठवां तत्व आता है उसके फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं. फॉर एग्जांपल सपोज करो बोरोन ये पहला एलिमेंट हो गया, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन के बाद जो 8 एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो बोरोन के इक्वल होंगी. इसी को हम ऑक्टिव लॉ बोलते हैं, मतलब आठवां तत्व जो होगा उसके जो गुण होंगे वो पहले तत्व के समान होंगे. इस नियम को हम संगीत के 7 स्वरों द्वारा भी समझा सकते हैं. जैसे 7 स्वरों के बाद 8वें स्वर की पुनरावृत्ति होती है जो पहला स्वर होता है, वैसे ही 7 तत्वों के बाद यहाँ पर 8वां जो तत्व आता है उसके गुण भी पहले के समान होते हैं. संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी 7 होते हैं. इनमें जब स्वर चलता है जैसे पहले इसके चलता हुआ 7वीं पर आता है, 7वीं के बाद फिर वही 8वां स्वर आ जाता है, उसी प्रकार पहले तत्व के बाद 8वां जो तत्व आता है वो उसी प्रकार के गुण वाला होता है. इसको हम न्यूलैंड्स का ऑक्टिव लॉ बोलते हैं. इस तत्व की इस नियम की कुछ कमियाँ हैं. जैसे पहला तो ये नियम सभी इस नियम की कुछ कमियां भी हैं जिन नियमों पर यह नियम लागू नहीं होता. जैसे इस नियम में तत्वों को केवल परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था,
क्योंकि वर्तमान जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो इसलिए ये नियम वहाँ पर फेल हो जाता है। दूसरा, अब इसमें 18वां वर्ग और जोड़ा गया है, जो अक्रिय गैस होती हैं उस समय ये 18वां वर्ग नहीं था, तो ये नियम इससे भी फेल होता है। दूसरा, जो नए तत्वों की खोज की गई है उन तत्वों पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। थैंक्स।